बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक वाल के आमायसन में से वो अस्मा जो अल्लाह तबारक ने मुख्तलि अम्बिया करामलात वाम को तकसीम किए और उनके विर से उनकी रूहानी तरबियत हुई यहाँ तक के नबूवत के मनाजिल तय किए और उनके लिए उनका मुजहत का इंसरा इंतजाम आसान हुआ ये वह असमा हैं जिनमें से आज हम तेरहवें नंबर पर गुफ्तु करेंगे और ये तेरहवें नंबर का इसम जो है ये इसम जो है जमाली है और यह हजर याफिस सलातुम को अता किया गया जब हज़र यास याफिस सलात को ये विरद मिला उन्होंने कसरत से इसका विरद किया तो रूहानी मरातब तय हुए नबूत के मनाजिल तय करके उनके लिए मौजाद का इंसराम आसान हो गया तो बड़ा बाबरकत नाम है और यह है या क्यो ताहरो मिनकुली आफतिन बे खुदी ही या जाकि पकीज़ा जात जो पाक है हर तरह की आफत से अपनी खुदियत की शान में तो किसी किस्म की आफत गुआ कि उस जात को नहीं पहुँचती हर तरफ से पाक है और ख़ुद भी अपनी जात पाकिजा जात है तो ये जो नाम है या क्यो ताहर मिनकुल आफतिन भी खुद सीही या जाकियो हज़र याफिसम को मिला और जिससे उनकी मरात आलिया तक पहुँचे तो बड़ा बाबरकत नाम है सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यह है इसकी तासीर यह है कि कोई दिली मुराद है जो पूरी नहीं हो रही और ऐसी मुराद है कि उसके लिए सारी तगो कर लिए लेकिन पाए तक मील तक नहीं पहुँचता मामला या उन्नीस बीस में इंसान जो रह जाता है उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि अगर इसका रोज़ाना पंद्रह हज़ार मरतबे करें फिफ्टीन थाउजेंड अवल आखिर एक एक मरतर फातह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रहीम की मीम आलम से मिलाते हुए कि बसिमिल्लर रिम रह्म, मिलदिल्ल बिला इस तरह आमीन तक तो अबिल फाते पड़े पढ़े एक, एक दफ़ा और ये पंद्रह हज़ार मरतब इसका व्यध करें इन ये बारह दिन के अंदर अल्लाह तबारक वाले आपकी मन की मुराद पूरी कर देते हैं इसमें ज़बरदस्त तसीर है दूसरी तासीर इसमें यह है कि आप जो है जन्नत को मुशर करना चाहते हैं कि जिन्नात आपकी की में आ जाए उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है उसका तरीका भी यही है कि पंद्रह हज़ार मरत रहा इसका विरध करना है फिफ्टीन थाउजेंड इसका विध करें दिन में करें या रात में करें या दिन रात दोनों में तकसीम कर लें और बलाखे मरत फातह के साथ तो ये शुरू कर दें तो ये तीन हफ्ते तक ये करें आप ट्वेंटी वन डेज़ तीन हफ़्ते के दौरान किसी वक्त भी ये जन्ात आप के हो जाएंगे आपके पास आ जाएंगे फिर तस्वीर का बाकी काम वो खुद ही बताएंगे कि किस तरीके से आप हमसे काम ले सकते हैं ये इसमें तसीर और तीसरी तसीर कि आप जिनको हाजिर करना चाहते हैं जिनको हाजिर करना चाहते हैं मतलब कोई शख्स है जिसके ऊपर ऐसे असरात हैं आप हाजिर करके उससे गुफ्तु करना चाहते हैं उसके लिए भी पहले से आप जो है इसका विध रखें यानी पंद्रह हज़ार मरतबा का विरध आपका रहें बारह दिन की आपने निसाब पूरा करना है फिर जब वो शख्स सामने आ जाए कि जिसके अंदर आप हाज़िर करना चाहते हैं या वैसी आप चाहते हैं कि जिन हाज़िर हो जाए तो उसके लिए ये आप उस वक्त इसका एक सौ एक मरतम इसका व्यध करें यहाक्यो ताहिर हो मिनकुल आफतिन भी खुद सी या जाकी ये पढ़ते रहे कसरत से तो वो चीज़ हाजिर हो जाएगी अब आप उसको जो भी अकामात जारी करेंगे उसकी जो वो पैरवी करेगा ये इसमें तसीर एक तासीर इसमें यह है कि इंसान चाहता है कि बदन के नक़ाश और रू के नकाश ख़त्म हो जाए मेरे अपने ख़त्म हो जाए या ये कि कोई मेरी औलाद में कोई शख्स है या कोई और ऐसा रिश्ता है कि जिसमें चाहते हैं कि बदन रूह के सारे नकाश ख़त्म हो जाए उसमें में यह इसकी बड़ी तासीर है उसका तरीक़ा ये कि एक हज़ार इक्यावन दफ़ा एक हज़ार के वन थाउजेंड फिफ्टी वन टाइम जो है ये पढ़ना है अबलाखी ग्यारह मरतुरशीफ के साथ पढ़ के जो है उस शख्स का तवर करें अगर आप खुद हैं तो अपने बदन और रूह तसवर करें कि बदन में से रूह से जितने नक़ एब है सब खारिज हो गए और ये विरध करके आप बदन पे दम करें और एक कप पानी पे दम करके पानी पी लें तो ये आपने जो है वो बारह बारह दिन के तीन निसाब है बारह दिन करें बारह दिन में आप समझ रहे हैं कि माशाला बेहतरी आ रही बारह दिन और करें फिर बारह दिन और करें थर्टी सिक्स डेज आपने यह अमल करना है इंशाल्लाह बदन के नकायश और रूह के नकायस अल्लाह तबारक वाले दूर कर सुभान इसकी तासीर है अगर कोई और शख्स के बे बच्चे के लिए करना बच्चा दूर है तो तस्वूर में आप उसको भी करें और पानी भी दम कर लें पानी को जो है पौधों में डाल दें फूलों के पौधे हो तो बेस्ट है वरना आम जो हरे पौधे उनके ऊपर डाल दें तस्वुर ये रखें कि इसकी तसीर जो है वह बच्चे को पहुँचे उस बदन और उसके रूह के नकायश ख़त्म हो जाए ये इसमें तसर और एक तासीर यह है कि बच्चा जो है दिमागी तौर पर बावला है बावला है बलीद है खुद जहन है कोई बात उसको याद नहीं रहती या ये कि बात नहीं समझता आजकल लोग उसको ऑर्टिज़म भी कह देते हैं कि आटिज़म का शिकार है कि इसके जुनून में रहता है दिमाग इसे काम नहीं करता करता तो बड़ा तेज़ सही ही करता है नहीं तो बिल्कुल बावला हो जाता है यह अगर कैफियत तो उसके अंदर है उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है यही वर्ध करना है एक हज़ार इक्यावन लेकिन बुध वाले दिन स्टार्ट करना है बुध वाले दिन आपने स्टार्ट करना है भले बुध को मगरिब से चूँकि दिन शुरू हो जाता है तो मंगल की मगरिब जब स्टार्ट हुई मंगल का दिन गुजर के तो बुध शुरू हो जाता है इस्लामी तौर पे उस वक्त भी कर सकते हैं या रात गुजर गई अगला दिन जब बुध का आ गया बुध के दिन में किसी वक्त बैठ के कर सकते हैं एक हज़ार इक्यावन इसकी तादाद पढ़नी है और पढ़ के जो है उस बच्चे के दोनों कानों में ज़ोर जोर से तीन फोंके मारनी है और जे वो थोड़ी सी शहद पे दम करके शायद उसको चटा देना है पानी दम करके रख लेना है और पानी जो उसको थोड़ा थोड़ा पिलाते रहना है ये जो निसाब ट्वेंटी वन डेज़ का 21 दिन करना है इन किसी भी किस्म की उसकी दिमागी आफत जो होगी अल्लाह तबारक बदल उसको पाक कर देंगे ये इसके अंदर बड़ी तासीर है और एक तासीर ये है कि इंसान किसी अहदे और मनसब पर कायम है और वो चाहता है मेरा उदा मनसब ख़त्म ना हो या वो समझ रहा है मेरे खिलाफ़ कुछ साजिशें हो रही हैं लिहाजा वो वजह मनसूब को कायम रखना चाहता है उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है कि या तो हफ्ते वाले दिन ये चार्ज के वक्त इसको पढ़ना शुरू करें ठीक चार्ज की या इस्लामी महीने की बारह तारीख से पढ़ना शुरू करें ये स्टार्टिंग डेट ये मुतयन रखे या तो सैटरडे को चार्ज के वक्त यानि दस ग्यारह बजे और या ये कि वह इस्लामी महीने की जो है बारह तारीख जब आए तो बारह तारीख को ये पढ़ना शुरू करे और उसको जो है ये इसने पढ़ना जो है ग्यारह सौ ग्यारह दफ़ा पढ़ना है ग्यारह सौ ग्यारह दफ़ा पढ़े और पढ़ के जो है तस्वुर में तमाम साजिशों की तरफ फूंक मार देनी है और ये दुआ कर लेने की अल्लाह ये जो सूरत हाल पेश आई है मेरे खिलाफ़ साजिशें हैं इंतजामी मामला हैं और मेरे मनसब से मुझे हटाना चाहते हैं अल्लाह आप मुझे इस आफत मुसीबत से बचाइए तो ये दुआ कर ले तो ये पाबंदी जो फोर्टी वन डेज की नीयत करे लेकिन बस जबरदस्त तासीर है ग्यारह दिन के अंदर ही आपके हालात साजगार हो जाएंगे सारी साजिशें छट जाएंगी ये इसके अंदर तासीर है और एक तासीर है कि इसकी अंगूठी की आप इसकी जो अंगूठी बनवाएं चांदी की अंगूठी और चांदी मैंने हमेशा बताया कि मर्दों के लिए पाँच माशे तक की होनी चाहिए पाँच माशे से ज़्यादा भारी ना हो ठीक है तो और खुतिन के लिए कोई पाबंदी नहीं है और वो सोने की भी बना सकती चांदी की भी बना सकती हैं तो चांदी की अंगूठी के ऊपर ये नाम कंधा करें नाम कंधा करें कंधा करने का दिन अगर बुध का हो तो बेस्ट है बुध का ना हो तो इतवार का दिन हो बुध या इतवार के दिन में उसको कंधा करें तो बहुत अच्छा है अगर नहीं दिन की पाबंदी मुमकिन यदि आजकल की दुनिया के कारोबार में उसका जिला मुश्किल है तो किसी भी दिन इसकी वो करें करने के बाद जब अंगूठी बन जाए उस पर एक हज़ार इक्यावन दफा इसका दम करना है अब आखे एक अगम फातिया के साथ दम कर लेना है दम करके अंगूठी पहन लेनी है ज़बरदस्त तासीर आप बदन की रूह की हर आफत और हर नक़द से बचेंगे और जो मनसब जो इज्जत आफियत है उस पर इजाफा होगा कमी नहीं होगी अब और किसी किस्म के जिन्नात और किसी किस्म की जो, जो बदरूह आपको तंग नहीं कर सकती बल्कि जन्नात आपके ताबे होते नजर आएंगे अगर आपने अंगूठी पहनी हुई है तो जन्ात आपके सामने जो है बिल्कुल ताबे होंगे अगर कोई ऐसी आफत ज़्यादा जगह है आप अगर पैन के अंगूठी जाएंगे कोई जिनाब के करीब फटकेगा नहीं तो आपकी फाति ये इसके अंदर तासीर है ना पाक जगह बैतुलखला वगैरह में जाए तो उसको उतार के जेब में डाल लें पाक जगह में जाएँ और रात को सोने के पहन पहन सकते हैं उससे ही होगा कि किसी किस्म की जन्नाती कोई चीज़ आपके करीब नहीं आएगी ऐसी ज़बरदस्त कुत और हैब्बत आपको नसीब हो जाएगी इसमें सुबह सुबह हज़रत तमाम की तमाम बातें जो हैं ये ऐसी हैं कि जो आ, होश हैं और 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 ये कि देखिए जो आपने सबसे पहली बात फरमाई दिली मुराद लोगों की दिली मुरादें बहुत हैं है, है। बच्चों की शादियां जैसे ये है या गया कारोबार में या और बीमारियों में तो ये दिली मुराद है और ये बात तो पंद्रह हज़ार और बारह दिन की है दिल्ग। सिर्फ दिल्ग। सही बात तो तो अगर अगर वाकई ही किसी की कोई दिली मुराद है तो क्यों ना वो करे बिल्कुल सही ना करने की कोई वजह मुझे समझ नहीं आती तो तो अगर, अगर अगर ऐसा मसला और फिर फिर ये कि एक जिन्नात वाली बात आपने बताई उनको काबू करने की बात बताई तस्खीर कर लें जिन जिनों को तो जिनको ये शौक है तो ट्राई करके देख लें वो ठीक है ना मतलब आपने तो नुस्खा दे दिया जी ना ठीक है तो 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 ये है और एक बात जो जो मुझे और बहुत इसमें मुझे फायदेमंद लगी दिमागी कमजोरी ऑटिज्म किस्म की जो बात है बच्चों की या हमारे फैमिलीज में ये लोगों के मसाइल हैं आपके पास हर वक्त फोन आते हैं तो तो ये ये उसके लिए भी दसो इक्यावन दफा की बात है और फिर बदन और रूह एक अभी किसी ने सवाल भेजा कि जो है, है।, है उसकी वो चाहिए मुझे कि मेरी रूह बिल्कुल साफ हो जाए है। 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 तो जो, जो उनके लिए है ये आपने उनके लिए जवाब दे दिया को कायम रखने वाली बात आखिर में जो आपने बात फरमाई अंगूठी वाली हजरत ये बात मेरे दिल को भाग गई है आपको आपने इसके फवाद अंगूठी के जो फवाद बताए हैं वो है। बिल्कुल, बिल्कुल सही सारे ऊपर वाले फवायद करने के हैं पंद्रह पंद्रह हजार दफा इक्कीस दिन और बारह दिन और छत्तीस दिन वाली बात जो है वो एक अंगूठी में है जो की एक ही दफा पढ़ने की बात है सिर्फ ये आपको कोई सही अंगूठी को कुंदा करने वाला मिल जाए जो की इसको इसको सही ट्रेस कर देंगे तो वो हो जाए तो बात ही खत्म होगी बिल्कुल बिल्कुल तो, तो ये, मतलब ये ये नुस्खे तो आप ही दे सकते हैं आपने, आपने आपने पक्का नुस्खा दे दिया चलिए ठीक अच्छा, है इसमें वो नाम मैंने जो बताया पैगम्बर का जी वह शाम है शाम साम हजरत शाम अच्छा क्योंकि हजराम के बेटों के नाम है ना जी जी तो याफिस और साम तो वो याफिस से वो अल्तबाश हो गया मुझे पैगम्बर है, साम है।, साम तो है जिनको ये नाम दे साम। दे। साम। बहुत खूब हजरत सारी की सारी बातें अब ये है की लोग चाहे प्रोग्राम को दोबारा तेबारा देखें तो उनको समझ आ जाएगी आपने क्या कहा बार बार देखें अपने मतलब की चीज नोट कर लें बहुत खूब बहुत शुक्रिया